संसद सत्र के दौरान यूपी में जारी चुनावी घमासान की गूंज भी सुनाई देने के पूरे आसार हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में जारी जुबानी जंग और विकास योजनाओं के श्रेय की होड़ संसद के भीतर भी माहौल गर्म कर सकती है। इनका सफाया करने का काम हम लोग करेंगे मिलकर। एक तरफ यूपी में चुनावी शोर है तो दूसरी तरफ कल से संसद में सियासी घमासान का नया दौर है। पुरानी राजनीतिक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लिहाजा लखनऊ के हाईवे से गुजरने वाले सारे काफिलों के गुबार दिल्ली तक पहुंचे तो इसमें कोई अचरज नहीं है। अभी तक यही होता आया है, आगे भी यही होने की संभावना है। संसद का ये सत्र उस समय हो रहा है जब यूपी की सरगर्मी सर चढ़ के बोल रही है और इसके आसार अब पार्लियामेंट में भी नजर आएंगे। अब्बा जान और जिला जैसे बयान दिए जा रहे हैं और साथ ही क्रेडिट लेने की होड़ है कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर, और अब यूपी की ये सरगर्मी संसद के इस सत्र में नजर जरूर आएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में कई ऐसे मुद्दे छाए हुए हैं जिनकी गूंज संसद में जरूर सुनाई देगी। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया, 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। लखीमपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे के लिए विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। यूपी को मिल रही ताबड़तोड़ सौगातों को विपक्ष अपने सरकार के काम का नतीजा बता रहा है। इस सब के बीच यूपी में नेताओं की जुबान सारी सीमाएं लांघ रही हैं। जिन्ना को लेकर घमासान छिड़ा तो बात अब्बा जान, चाचा जान और अब दंगा बनाम दंगल तक आ पहुंची है। अगर खेलों में आगे बढ़ने का मौका दे तो क्या बुराई है। अरे अखिलेश यादव कहता है कि ये सांसद खेल महाकुंभ कराते हैं, सांसद खेल स्पर्धा कराते हैं। अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं। और मुझे पता है बागपत के लोग दंगे नहीं चाहते, दंगल में ही विश्वास रखते हैं। पीएम मोदी ने आसमान से उतरकर जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को यूपी के नाम किया उस पर अखिलेश यादव दावा ठोक रहे हैं। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर छिड़े प्रचार अभियान में हुई भूलचूक को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। ये वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो समाजवादियों ने बनाया था और जिस तरीके से जनता ने मन बनाया है, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दूसरे गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। झूठे विज्ञापन भी देते हैं। अब कल ही आपने देखा होगा मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने जेवर में, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा, तो सब अपनी सोशल मीडिया पे जितने भी इनके नेता हैं सब फोटो लगाने लग गए। सबने देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट, पता चला चीन की फोटो है। जाहिर है ये सारे सवाल यूपी की हद से आगे बढ़कर संसद तक पहुंचेंगे और जब सवाल तीखे होंगे तो जवाबों का स्वाद भी वैसा ही होगा, यानी कि तिलमिलाहट दोनों तरफ भरपूर होगी। आज तक ब्यूरो।